गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। मैं जो भी सीधे उठ के बाहर ही आया हूँ, क्योंकि भाई अपने साथ जो ये है अपनी जर्मन शेपर्ड, इसका जो नेम है भाई वो है मुन्नी, इसको मैं भी वॉक कराने लाया हूँ क्योंकि बहुत ज़ोर से हल्ला कर रही थी। और मैं अभी जस्ट मेरी आँखें देखो, मेरी आँखें भी नहीं खुली हैं अभी, ना मैंने मुँह धोया ना ब्रश किया, सीधे उठ के बाहर ही आया हूँ। अभी बजे ना सुबह के 7, रात को घर देर में पहुँचा, इसलिए भाई सुबह मेरे को उठने में अभी जो हो गई देर हो गई है। भाई अपना जो शेड्यूल है ना पूरी तरह ख़राब हो चुका है। मतलब पहले से यार मैं मोस्टली 5 या 5:30 बजे तक उठ जाता था, पर लेकिन अब भाई ऐसी हालत हो गई कि सुबह 7 या 8 बजे से पहले नींद नहीं खुली है, तो मतलब एकदम पूरा शेड्यूल बिगड़ सा गया है। तो भाई अब मैं सुबह से कल से रोज़ फिर से अलार्म लगा के, नहीं क्या खड़ी है अलार्म, नो अलार्म लगा के भाई फिर से 5 बजे उठने का ट्राई करूँगा। कल जो है ना ठंड का टाइम है, तो इसलिए सुबह नींद खुलने के बाद खुल तो जाती है, पर लेकिन फिर मैं दोबारा सो जा रहा हूँ। आज भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं 2 बजे के टाइम पर उठा, अराउंड 2 बजे उठाऊंगा, फिर थोड़ी देर फोन वोन में ऐसे ही स्क्रॉल देखा फोन में कुछ, फिर उसके बाद भाई फिर नींद आ गई थी, फिर सोया, फिर दोबारा से भी 7:30 पर उठाऊँ मैं, एग्जैक्ट 7:30 पर एकदम। मैं सोच रहा हूँ कि ना जैसे सुबह सुबह जिम चले जाऊँ या कुछ अपना रनिंग का शेड्यूल बना लूँ, क्योंकि भाई आलस इतना आ रहा है सुबह सुबह उठने में, मन नहीं कर रहा है। अगर हाँ जिम विम जाने लग गया तो भाई ये होगा कि हाँ जिम में सबसे जाके पहले फीस दे दूंगा, क्योंकि ये लगेगा भाई फीस दे दिया जिम जाना है। होता है मोस्टली यार ऐसी हर किसी के साथ, पैसे जाते हैं जेब से तो लगता है कि भाई अब जाना है जिम। तो देखता हूँ भाई मैं कुछ करता हूँ न्यू ईयर से, आज तो खैर 30th हो गई है, और जिम विम जाने का अगर हो गया तो सीन बनाता हूँ। 1 तारीख से मोस्टली सभी जाएंगे जिम, जिम में तो भीड़ लग जाएगी 1 तारीख से भाई, तो मैं अभी नहीं जाऊंगा, 10 या 15 तारीख से जाऊंगा, क्योंकि अभी तो नए नए बंदे नए नए जोश होगा न्यू ईयर में। ये अपने साथ चल लिया नहीं। गाइस अब जो मैं आपसे मिलता हूँ घर जाके रेडी वेडी होके, क्योंकि भाई अब लहू हो गई है बहुत देर, 8 बज चुके हैं, मैं आज नहाऊंगा तो नहीं भाई, सीधी सी बात है, देर हो गई है। सीधे मुँह हाथ धो के अपना रेडी होके ना ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं सीधे आपको, उसके बाद घर पहुंचने के बाद तब तक मैं इसको अपनी जर्मन शेफर्ड को फिर से थोड़ा घुमा लेता हूँ अच्छे से। मैं जो अभी आया हूँ किचन पे, गाइस अपने लिए बनाने आया हूँ कॉफ़ी, क्योंकि भाई मम्मी जो है काम पे लगी हुई है, आज रोटी बननी नहीं है, मम्मी ने बनाई नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ अपने लिए कॉफ़ी बना लेता हूँ, थोड़ी सी कॉफ़ी बनाने किचन पर आया हूँ मैं, ठीक है गाइस। उसके बाद नाश्ता तो ब्रेकफास्ट कहीं बार बार कर लेंगे, बढ़िया फेवरेट है वहाँ पर जहाँ पर हमारा स्टैंड है उसके बगल में छोले कुलचे मिलते हैं भाई, बड़े सही छोले कुलचे बनाता है, तब तक बनाता हूँ कॉफ़ी। गाइस जैसे मैं अंदर कॉफ़ी बनाने गया, वैसे ही जो है मम्मी आ गई थी पराठे बनाने के लिए, तो भाई ये दूध और अपने पराठे भाई वही सेम कल की तरह हमने पराठे मार लिए हैं 2 बढ़िया, और ये तीसरा चल रहा भाई मेरा, इसको भी फिनिश करते हैं उसके बाद चलते हैं सीधे काम पे। गाइस मैंने जो है नाश्ता कर लिया है भाई, अभी जो है मेरे को आज मतलब मेरे को क्या, आज मोदी जी आ रहे हैं अपने शहर में, मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तो गाइस अभी हम उनसे मिलने जाएंगे, देखते हैं कितने बजे निकलते हैं, अभी तो फिलहाल थोड़ा काम है उसको निपटा के, वो काम निपटा के फटाफट चलते हैं मोदी जी से मिलने हैं उसके बाद। गाइस मैं जो हूँ ब्रेकफास्ट करके आ गया हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, गाड़ी मैंने थोड़ी देर कोल्ड स्टार्ट छोड़ रखी है, जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि भाई जो सुबह जिसके पास भी गाड़ी है, कार वगैरह बाइक वगैरह जो भी है, सुबह ऐसा करिए गाड़ी को पहले थोड़ी देर स्टार्ट, इसका स्कूटी है मेन भाई, सबसे बड़ी स्कूटी की प्रॉब्लम है, स्कूटी आपको सुबह सुबह सेल्फ नहीं पड़ता भाई, उसमें क्या करना उसको ऐसी टिक मार के उसको 2-4 मिनट तक ऐसे छोड़ देना, वैसे भाई बड़ी गाड़ियों के साथ भी है, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो उसमें आप जो है इसको थोड़ी देर जाड़ों में, मोस्टली विंटर में ही होता है भाई, इसको ऐसी थोड़ी देर सुबह सुबह कोल्ड स्टार्ट छोड़ दिया करो,
प्रोबेबली हो सके जितनी देर सके मैक्सिमम 5-10 मिनट जितना भी छोड़ सको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। पिछले ब्लॉग में बताया था कि जो आज अपने हल्द्वानी में भाई मोदी जी आ रहे हैं उनकी जो अराइवल टाइम है वो है 10 बजे का, और भाई 10 बजे तो आएंगे नहीं क्योंकि मेरे को भी पता है कोई सेलिब्रिटी या कोई भी पॉलिटिशियन एग्जैक्ट टाइम पे तो पहुंचता नहीं है, हो सकता है मे बी उसके 11 बजे तक पहुंचे, और भाई मेरा जाने का नहीं हो पा रहा है अनफॉर्चुनेटली, मेरे को थोड़ा काम पड़ गया है, मैं ये सारा काम निपटा के अभी जो मेरा प्लान बना है वो बना है भाई नैनीताल का, हम जा रहे हैं नैनीताल घूमने, उसके बाद भाई जो कल है वहाँ बहुत एकदम सॉलिड सा स्नोफॉल हुआ है, वो स्नोफॉल भाई देखने का मन कर रहा है ऑब्वियसली, तो अपने पास में है नैनीताल, सारा काम हम निपटा के हम चलते हैं नैनीताल घूमने। मैं जो हूँ रेडी हो गया हूँ भाई जाने के लिए, बस मैंने जो है शूज पहने अभी लाइट ऑफ कर दिया, जब भी भाई बैटरी सेव करो। गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड इन नैनीताल। गाइस ये जो है ये है लेक नैनीताल का, ये आगे तक भाई बहुत बड़ा है, ये देखो इसके अंदर जो हो रही है बोटिंग हो रही है भाई, इसमें 2 तरीके की बोट होती है। फाइनली घर पहुंच चुका हूं गाइस नैनीताल घूमने के बाद, वहां की जो मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरा फोन जो है भाई ऑफ हो गया था, बस थोड़ी सी क्लिप है वही मैंने डाल दी है वीडियो में। गाइस अब मैं पहुंच गया हूं घर, बहुत थकाई लग चुकी है, खाना वाना खा के सीधे सोते हैं। अब आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं गाइस, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, तब तक के लिए बाय।